आई मेरे लिस्ट ऑफ एट पॉइंट बेस्ड ऑन माई पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस और मैं आज आपके साथ में वो सभी शेयर करने वाली हूँ की कैसे कैनेडा में आने के बाद में मेरी लाइफ जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई है One. बिफोर कमिंग टू कैनेडा जब भी मैं घर से बाहर निकलती थी या थोड़ा भी टाइम पोल्यूशन में स्पेंड करके आती थी मुझे घर आने के बाद में बहुत ज्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती थी मुझे सांस लेने में इतनी तकलीफ होती थी ऑलमोस्ट एवरी डे आई यू टू टेक इनहेलर्स टू गेट बैक टू नॉर्मल मैंने बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया एंड काफी सारे ट्रीटमेंट्स भी लिए बट कभी भी मेरी प्रॉब्लम जो है वो हंड्रेड परसेंट ठीक नहीं हुई जब हम कैनेडा आने के लिए प्लान कर रहे थे आई विज काइंड ऑफ लिटल स्ट्रेस्ड कि वहां तो टेम्परेचर तो कई बार माइनस थर्टी फाइव तक भी चला जाता है हाउ विल आई सर्वाइव और मेरे फैमिली मेंबर्स भी इस बात को लेकर थोड़ा सा परेशान थे जो मैं इंडिया से इतना बड़ा पूरा पैकेट लेके आई थी इनहेलर्स का और रीफिल्स का वो सारे कैप्सूल्स एंड इनहेलर के जो छोटे छोटे इक्विपमेंट्स आते हैं वो सब मैंने थ्रो कर दिए बिकॉज वो सब एक्सपायर हो चुके थे यहाँ आने के बाद में मुझे कभी भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे किसी भी दिन इनहेलर नहीं लेना पड़ा रीजन बी कि यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा कम है आई मीन नेशनल कैपिटल रीजन एंड यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स इज जस्ट फिफ्टीन जो स्क्रीन पे आपको ग्लोब दिख रहा है दिस इज लाइक अ लाइव रिकॉर्डिंग फ्रॉम एयर क्वालिटी इंडेक्स वेबसाइट और इसमें जितने भी आपको डार्क कलर्स दिख रहे हैं जहाँ पे भी ब्राउन और रेड दिख रहा है वो वहाँ पे सबसे ज्यादा पोल्यूशन है वर्ल्ड में और जहां पे आपको ब्लू एंड ग्रीन कलर दिख रहा है वहां पे देआर द प्लेसेज जहाँ पे पॉल्यूशन बिल्कुल ना के बराबर है आई कैनोट बिलीव के मुझे इनहेलर से पूरा हमेशा लाइफ लॉन्ग के लिए छुटकारा मिल गया आई एम नॉट से ऐसा सबके साथ होता होगा बट डेफिनेटली घूमने का शौक तो सभी को होता है

रीजन बींगनेडा में जो फूड सेफ्टी एक्ट है पैकेज फूड रेगुलेशन आर सो गवर्नमेंट बहुत क्लोजली उन सबको मॉनिटर करती है और जितने भी बैचे मार्केट में आते हैं फ्रेश प्रोड्यूस और सभी का अच्छे से टेस्टिंग होता है बाई एनी चांस किसी बैच में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है इंस्टेंटली न्यूज में आ जाता है उसको रिकॉल करने के लिए यू कैन जस्ट गो टू द सेम स्टोर एंड रिटर्न योर पैकेट एंड फिक्सिंग एल्स इज इन दैट ग्रेट फोर मुझे प्लांट्स का और गार्डनिंग का बहुत शौक है बट सम्भ मेरे पास में कभी इतना स्पेस नहीं था दैट आई कैन एक्सपेरिमेंट विद द किचन गार्डन आई कैन मेक ओन रेज बेड फॉर फ्लावर्स इफ यू स्टेइंग इन हाउस आपके घर के फ्रंट में और बैक साइड में बहुत स्पेस होती है और वहां पे आप आराम से अपनी मर्जी से जैसी भी लैंडस्केपिंग करना चाहे वो कर सकते हैं मैंने लास्ट समर में अपने बैक यार्ड में किचन गार्डन सेट किया था ये स्क्रीन पे आपको जितनी भी वेजिटेबल्स दिख रही है ऑल फ्रॉम किचन गार्डन फाइव अक्सर आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि पर्टिकुलर किसी कॉर्नर में आपको घर में कुछ डेकोरेशन करनी है या फिर कुछ रेनोवेट करना है और थोड़ा सा चेंज करना है रिमॉडलिंग करना है अपने घर में यू कैलकुलेट द कॉस्ट वो इतना ज्यादा हो जाता है कि आप अपने प्रोजेक्ट ही बंद कर देते हैं मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता था मुझे बहुत शौक है अपनी इमेजिनेशन को बिल्कुल रियल लाइफ में लेके आना अपने घर को डेकोरेट करना री करना और हर थोड़े टाइम के बाद में कुछ ना कुछ नया डिजाइन करना तो यहाँ पे आने के बाद भी मुझे वो अपॉर्चुनिटी भी मिल गई यहाँ पे हार्डवेयर के बिग बॉक्स स्टोर्स होते हैं जहाँ पे आपको इतने सारे यूजफुल टूल्स इक्विपमेंट और मशीनरी मिल जाती है एंड इट्स रियली ईजी टू लर्न

आप सबकी तरह मुझे भी क्लीन और शाइनी हाउस बहुत अच्छा लगता है मगर उस घर को साफ रखने के लिए हमें बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं घर में जब भी कोई झाड़ू लगाता था या डस्टिंग करता था और मेरी छीके शुरू हो जाती थी एक बार शुरू होने के बाद में ऑलमोस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मिनट्स तक मैं सिर्फ छीकती रहती थी मुझसे रुका ही नहीं जाता था मुझे इतनी छीके आती थी यदि मेरे घर में कहीं पे भी कोई भी डस्टिंग कर रहा है या फिर किसी ने भी झाड़ू लगा दी यहाँ के घर जो है वो बहुत अच्छे से इंसुलेटेड होते हैं और जो फाइन डस्ट पार्टिकल्स है वो आपके घर में एंटर ही नहीं कर पाते हैं तो घर के अंदर डस्ट है वो बहुत कम होती है जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको एयर फिल्टर ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लेता है सो फाइनली आई विन माई बैटल विद द डस्ट बिकॉज एक टाइम पे ये सिचुएशन हो गई थी मेरी लाइफ में कि मुझे लगता था इस घर में या तो मैं रह सकती हूँ या फिर डस्ट रह सकती हूँ हम सब ये जानते हैं कि रेगुलरली वॉक पे जाना हमारी हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है यहाँ पे हर नेबरहुड में पार्क्स एंड ट्रेल्स बने रहते हैं एंड दे आर ओपन फॉर एवरी इन पार्क्स में बहुत सारी एम्यूनिटीज रहती है बेस्ड ऑन द लोकेशन एंड द साइज ऑफ द पार्क बट फ्यू ऑफ द कॉमन एम्यूनिटीज इंक्लूड द प्ले स्ट्रक्चर फॉर द किड्स स्प्लैश पैड स्केटिंग रिंग फुटबॉल ग्राउंड बास्केटबॉल कोर्ट टेनिस कोर्ट सैंड प्ले एरिया बाइकिंग जॉगिंग ट्रैक ये सारे फैसिलिटीज आपको इजिली मिल जाते हैं इनफैक्ट मेरे घर के पास में देर आर टोटल फोर पार्क सो आई हैव टू गो टू द सेम प्लेस एवरी टाइम आई वॉन्ट टू गो आउट फॉर अ वॉक ऑल दीज पार्क आर मेन बाय द म्यूनिस्पाली एंड वी कॉल देम से ऑफिस फ्रेंड्स के साथ लेट नाइट बाहर जाना हो किसी दूसरे सिटी में ड्राइव करना हो और इवन इफ आई एम वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट I feel very safe in Canada. Nobody will judge me based on my attire here. As per official figures, Canada में crime rate already बहुत कम है and we are at the lowest in last 40 years. Isn't it great? Canadian government ने बहुत सारे ऐसे programs and policies implement कर रखे हैं और वो उनको regularly monitor करती रहती है to improve the system. यहाँ पे आप कभी भी किसी भी emergency situation में फंस गए तो आपको सिर्फ एक call करना होता है 911 पे and help will reach to you within few minutes. आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और जल्दी ही मैं मिलूंगी आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अंटिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ बाय बाय